من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز حاضرین, खुदावंद आलम मखदूम आलमियान के सदक़े में इस पुरखलूस इबादत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। पूरी कायनात में जहाँ जहाँ भी अज़ादारी मज़लूम करबला मुनाक़िद हो रही है, करीम खालिक इस अजीम तरीन इबादत में शामिल होने वाले अज़ादारों की हिफाजत फरमाओ। दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर व मारूफ हदीस की तिलावत फरमाई है, जिसको उलमाए अहले सुन्नत ने भी अपनी अपनी किताबों में नक़ल किया है। बेशक हुसैन चिराग़ हिदायत और निजात का सफीना है। दोस्तों, ये हदीस कोई आम इंसान नहीं इरशाद फरमा रहा है, बल्कि वो इरशाद फरमा रहा है जो अपने वक्त का बादशाह भी है, बोरिया नशीन भी है, रसूलों का सरदार भी है, सखावत का ताजदार भी है, इबादतों का मरकज भी है, गरीबों का हमदर्द भी है, यतीमों का वारिस भी है, चांद के दो टुकड़े करने वाला भी है और कंकरियों से कलमा पढ़ाने वाला भी है। अब आप सोचिए कि इतना मोहतरम रसूल, नबियों का सरदार रसूल कह रहा है कि मेरा हुसैन चिराग़ हिदायत और निजात का सफीना है, तो ऐ मुसलमान उजाते हुसैन मरकज़ इत्तेहाद है, जिसे हिदायत चाहिए वो भी हुसैन के दामन से वाबस्ता हो जाए और जिसे निजात चाहिए वो भी हुसैन के कदमों में आ जाए, उसे निजात मिल जाएगी। दोस्तों, निजात हुसैन से मोहब्बत करने में है, हुसैन से दूर रहने में नहीं है। अज़मत हुसैन बयान करते हुए बड़ी अच्छी बात शायर ने कही है कि दरे हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। अजीज़ों, इतने बड़े बादशाह के दरबार में आप तशरीफ़ फरमा हैं, जिसे ज़रूरत बताना ही नहीं पड़ती। दुनिया के किसी भी अता करने वाले से सवाल करना ज़रूरी है, लेकिन इमाम हुसैन सखी नहीं करीम है। आप याद रखें, जो सवाल करने के बाद दे उसे सखी कहते हैं, और जो सवाल करने वाले को सवाल करने की शर्मिंदगी से बचा ले उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन उस शहंशाह का नाम है जिसने तारीख के रुख को मोड़ दिया। मुहद्दिस, रावी, मुअर्रिख लिखने वाले कोई भी हों, लेकिन इस रंग से इमाम हुसैन ने अपने जिक्र को तारीख के माथे पर ताज़ा तराशे हुए झूमर की तरह चमका कर कायनात के सामने पेश किया है कि कायनात आज तस्लीम करने पर मजबूर है कि जहाँ पर जिक्र पैगंबर है, जहाँ पर जिक्र रिसालत है, वहाँ पर जिक्र हुसैन है। जाइए, लोग कहते हैं ना कि दो शहजादों की जंग, मैं कहता हूं तुमने कह दिया कोई जीत गया कोई हार गया, लेकिन तुम्हें ये मालूम न हो सका कि जीता कौन है और हारा कौन है, शिकस्त किसे मिली और फतह किसे नसीब। ये फैसला तुमको नहीं करना है, ये फैसला तो रबीउल अव्वल का महीना कर देगा। तवज्जो अजीजो,
रबीउल अव्वल के महीने में मस्जिदों के अंदर अबू सुफियान की नाते पढ़ी जा रही हैं तो यजीद जीत गया, और अगर रसूल खुदा की नाते पढ़ी जा रही हैं तो हुसैन जीत गया। दोस्तों, पूरी कायनात में कोई इबादत इमाम हुसैन की मजलिस और नमाज से अजीम नहीं है। मजलिस मकतबे हुसैन है और नमाज मकसदे हुसैन है। वक्त आखिर लब शब्बीर से आई ये सदा, मेरे माबूद सदा होती रहे तेरी सना। रोजे अव्वल का जो वादा था हुआ वो पूरा, मैं तेरा बंदा हूँ फिर करता हूँ तुझसे वादा। तेरे इस्लाम को हर दौर में गाजी देगी, मेरी मजलिस तेरी मस्जिद को नमाजी देगी। दोस्तों, मौली का शिया कहलवाने का हकदार ही नहीं जो नमाज का मुनकिर है। नमाज का इनकार कुफ्र है, कुफ्र। जिन लोगों के जहन में ये है कि मैं आजादार हूं, मुझे इबादत की जरूरत नहीं, उन्हें शर्म आनी चाहिए इमाम जैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम से कि एक ही वक्त में एक इमाम जैनुल आबदीन भी है और सैयदुस साजिदीन भी है, सबसे बड़ा इबादत गुजार, सबसे बड़ा आजादार। दोस्तों, जब खून रोने वाला नमाज नहीं छोड़ता तो खून बहाने वाला नमाज कैसे छोड़ सकता है? जब हमारे दरमियान से ये गलत फहमियाँ निकल जाएंगी तो फिर हम शिया कहलाएंगे। अजीजो, जिक्र हुसैन बकाए रिसालत है, जिक्र हुसैन तहजीब इंसानियत है, जिक्र हुसैन शराफत आदमियत है। इसलिए कि कायनात आदम आलम में जानवरों के दरमियान अफसोस नहीं होता है, लेकिन जहाँ इंसानियत होती है, जहाँ पर जज्बे हमदर्दी होता है, वहां पर किसी के गम में शरीक होना ये इंसानियत का तकाजा है। और फिर उसका गम जिसने बहन और भाई की तमीज बताई, जिसने दीने मुस्तफा की कश्ती को ना खुदा होकर उसे निजात से लगा दिया। अजीजान मोहतरम, इसमें सुन्नी शिया का मसला नहीं है। करबला के बाद सिर्फ दो फिरके हैं, दो फिरके, एक हुसैनी दूसरा यजीदी। अब अगर आप मुझसे कहें कि मैं इतने बड़े मजमे से ये बताऊं कि शिया कहां बैठा है और सुन्नी कहां बैठा है, तो मेरे लिए मुश्किल है। मगर ये बताना आसान है कि सब हुसैनी बैठे हुए हैं। जनाब जोश मली आबादी ने फरमाया है कि जो हुसैनी भी है और मौत से भी डरता है, हां वो तौहीन हुसैन इब्ने अली करता है। हम भगवान के मानने वाले नहीं हैं, हम मौत के खौफ से रसूल को मैदान में अकेला छोड़कर भाग जाने वालों के मुरीद नहीं हैं। हम तो उस इमाम के मानने वाले हैं कि जंग के मैदान में हजरे कर्रार को जब दुश्मन ने ललकारा तो अमीर मोमिनीन खाली अपने बदन या तहरा पर एक कमीज पहने हुए हाथ में जुल्फिकार लेकर मैदान कारजार में चले गए। कभी अली मैमना नजर आए, कभी अली मैसरा में नजर आए, कभी कल्ब लश्कर का कलेजा चीरते हुए नजर आए। मोहम्मद इबन हनाफिया ने अली जैसे बाप को बगैर जरह के लड़ते हुए देखा, हाथ में जरा उठाई, दौड़ कर मोहम्मद इबन हनाफिया मैदान में आए, कहा जरूर लड़ो, लेकिन पहले जरा तो पहन ले। हजरत अली फरमाते हैं, ए मोहम्मद पीछे है, जरा वो पहने जिसको मौत का डर हो। तेरा बाप अली जब मैदान में आता है तो उसे परवाह नहीं होती कि मौत अली पर आ पड़े या अली मौत पर जा पड़े। बस अजीजों, यही वजह है कि मैदान करबला में असहाबे हुसैन ने मौला हुसैन की मोहब्बत में अपनी जान का नजराना जो पेश किया है ना, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आजादाराने हुसैन, अय्यामे आजा के दिन तेजी से गुजरते जा रहे हैं। इन अय्याम में
हमें हुसैन के 72 शहदा का पुरसा देना होता है। दोस्तों, इन अय्याम में आप हर मजलिस में शहदाए करबला का तज़किरा करते हैं। आज मैं आपके सामने ऐसे शहीद का तज़किरा करना चाहता हूं जिसका जिक्र बहुत कम मजलिसों में बयान होता है। एक है हजरत जॉन, दूसरे हैं जनाबे मुस्लिम इब्ने और सजा। बस इन दो शहीदों का तज़किरा करके मजलिस खत्म करना चाहिए। अजीजों, करबला में रोजे आशूरा एक एक मुजाहिद मैदान में दादे शजाअत देता रहा और हुसैन उसकी लाश उठाकर लाते रहे और इस तरह गंजे शहीदा की तामीर होती रही। हुसैन का लश्कर कम होता चला गया, गंजे शहीदा में शुहदा की तादाद बढ़ती चली गई, यहां तक कि जब बहुत से सिपाही हुसैन के शहीद हो गए तो एक गुलाम जो हबश का रहने वाला था, जिसका रंग सियाह था, जिसका नाम जॉन, ये जॉन बूढ़ा गुलाम ज़ईफ, ये इमाम के पास आया और आने के बाद कहा कि मौला मुझे भी मरने की इजाजत दे। तो मौला ने फरमाया कि जॉन, तुम तो हमारे साथ आराम उठाने के लिए आए थे ना, तुम तो हमारे साथ नेमतों में शरीक होने के लिए आए थे, अब अपने को जहमतों में क्यों डालते हो? चले जाओ, तुम बूढ़े हो, मैं तुम्हारी गर्दन पर से अपनी बैत उठाए लेता हूं, खुशी से इजाजत देता हूं कि तुम अपनी जान बचा लो, जब ये मुझे पालेंगे ना तो जॉन तुमसे इन सिपाहियों में से कोई सिपाही ना बोलेगा। अजादारान हुसैन, आपने सैकड़ों मजलिसें सुनी होंगी, लेकिन जो गुजारिश है मेरी उसकी तरफ आप तवज्जो जरूर फरमाएं। रिवायत में मैंने देखा है कि जिस वक्त मसलन हजरत कासिम को इमाम ने शहादत की इजाजत न दी तो रिवायत बताती है कि कासिम ने चचा के हाथों को चूम कर मरने की इजाजत ले ली है। जिस वक्त अली अकबर को मरने की इजाजत न दे रहे थे तो शबीह पैगंबर ने हुसैन के कदमों पर सर रख कर मरने की इजाजत ले ली थी। जब अब्बास इब्ने अली को शहादत की इजाजत न दे रहे थे तो अब्बास ने खुशामदई कर करके हुसैन से लड़ने और मरने की इजाजत ले ली। लेकिन जब जॉन से कहा कि मैं तुझे इजाजत देने पर तैयार नहीं हूं, तो तारीख बताती है कि न जॉन ने खुशामदें करके हुसैन के हाथों को चूमा, न हुसैन के पैरों को चूमा, बल्कि एक मर्तबा सीना तन गया, पेशानी पर शिकने आ गई, सांस की आमद और राह तेज हो गई और एक मर्तबा हुसैन की आंखों में आंखें डालकर और मोहब्बत भरी इजाजत के साथ जॉन ने कहा, फातिमा के लाल, मैं समझ गया, बात यह है कि मेरे चेहरे का रंग सियाह है, बात यह है कि मैं मजहूल नसब हूं, बात यह है कि मेरे जिस्म से बुए बद आती है। ए फातिमा के लाल, आप नहीं चाहते कि आपके पाकीज़ा खून में मेरा ये खून मिल जाए, मगर मैं भी आपको बताए देता हूं कि मैं करबला के मैदान में ये तय करके आया हूं कि अपना खून, ये खून आपके पाको पाकीज़ा खून में मिला कर रहूंगा। अजादारान हुसैन, अब हुसैन क्या करें? हुसैन खामोश हो गए, सर झुका लिया। ये जॉन जो शजाअत में डूबा हुआ करबला के मैदान में आया और आने के बाद हमला किया, बहुत से सिपाहियों को कत्ल किया, जख्मों से चूर हुआ, घोड़े की बुलंदी से जमीन के ऊपर आया। हुसैन ने जो सलूक अली अकबर के साथ किया वही अपने गुलाम जॉन के साथ किया, जमीन पर बैठ गए, जॉन का सर उठाकर जानू पर रख लिया, मुंह पर मुंह रख दिया,
रूमाल से खसो खाशाक को पाक किया। जॉन ने आंखें खोल कर इमाम को देखा। तारीख बताती है कि जब इमाम हुसैन ने किसी सहाबी के सर को उठा के अपने जानों के ऊपर रखा है ना, उसने फौरन कोई वसीयत कर दी, कोई जुमला कह दिया। मगर जॉन के लिए तारीख ने शहादत दी है कि जॉन ने जबान से कुछ ना कहा, बस एक मर्तबा आंख खोल कर देखा कि मेरा सर इमाम की गोद में रखा हुआ। मुस्कुराया और मुस्कुरा कर ये गुलाम दुनिया से रुखसत हो गया। मैं कहता हूं जॉन, ये मुस्कुराहट करबला के मैदान में किस बात की? तो शायद जॉन का जवाब होगा कि मेरे मसायब बयान करने वाले जाकिर, मैं तो सिपाही हूं। सिपाही ने उस वक्त मुस्कुराता है सिपाही जब उसे कामयाबी का एहसास हो जाता है। मैं हुसैन से ये कहकर चला था कि मैं अपना खून आपके खून में मिला के रहूंगा। जब मैंने देखा कि मेरे जख्मी सर का खून हुसैन के जिस्म पर बह रहा है, तो मुझे अपनी कामयाबी का एहसास हुआ और मैं मुस्कुराकर दुनिया से रुखसत। अज़ादारान हुसैन, बस जॉन ने आखिरी हिचकी ली और हुसैन ने जॉन की लाश जमीन के ऊपर रखी। सिरहाने खड़े होने के बाद बारगाह इलाही में दस्त दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिए के पालने वाले, ये मेरा सिपाही, पालने वाले ये मेरा फिदाई। इसको दो बातों का एहसास था। पहली बात ये कि इसके चेहरे का रंग सिया है और दूसरी बात ये कि इसके जिस्म से बुए बद आती है। पालने वाले, इसके चेहरे की स्याही को नूर से बदल दे और आने वाली बुए बद को अच्छी खुशबू से बदल दे। बनी यसद का बयान है कि जब दफने शोहदा के वक्त हम जॉन के सिरहाने पहुंचे ना, तो जॉन के चेहरे से नूर की लपटें निकल रही थी और मुझको अंबर के जिस्म से खुशबू आ रही थी। बस अजादारान हुसैन, दो तीन मिनट के अंदर आपकी जहमतों को खत्म कर देना चाहता हूं। ये कुर्बानी थी कि जिसका हाल मैंने आपके सामने पेश किया। अब दूसरी कुर्बानी, वो मुस्लिम इब्ने अवसजा असदी की। 80 बरस से ज्यादा की उम्र, तारीख ने बताया है कि इतने बूढ़े थे, इतने ज़ईफ थे कि भवों का हिस्सा लटक कर आंख से ऊपर आ गया था, खड़े ना हो पाते थे। लोगों ने गोद में उठाकर घोड़े पर सवार किया, कहा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हुसैन का एक सिपाही आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद भवों को ऊंचा करके पेशानी पर रुमाल बांध दिया। तब इनको करबला का मैदान दिखाई दिया। अदादारों, गौर कीजिए कि जो इतना ज़ईफ हो वो कहीं लड़ सकता है? मगर रावी का बयान है, ये ज़ोफ उस वक्त तक था जब तक हुसैन के सामने खड़े हुए थे और जब करबला के मैदान में आए तो ये मालूम होता था कि जैसे ज़ईफ़ी कदमों को चूम कर रुखसत हो गई हो। बढ़ बढ़ के हमले कर रहे हैं, लड़ते रहे, बहुतों को कत्ल किया, यहां तक के जख्मों से चूर हो गए और घोड़े से गिरे। जमीन के ऊपर इमाम सिरहाने पहुंचे, मगर अभी इमाम के साथ हबीब इब्ने मज़ाहिर भी हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने मुस्लिम से खिताब करके कहा कि ए मुस्लिम, अगर ये मालूम होता कि तुम्हारे बाद कुछ दिन और जिंदा रहना है तो मैं तुमसे वसीयत की फरमाइश करता कि वसीयत करते जाऊं ताकि मैं उस पर अमल करूं।
लेकिन मुस्लिम क्या करूं कि वसीयत के पूरा करने का वक्त ही नहीं है। आगे आगे तुम जा रहे हो और पीछे पीछे मैं आ रहा हूं। इस आलम में वसीयत की फरमाइश क्या करूं आपसे। अज़ादाराने हुसैन, मालूम होता है कि मुस्लिम की सांस उकड़ चुकी थी, आखिरी हिचकियाँ आ रही थी, मगर जब हबीब की ये आवाज़ मुस्लिम के कान में पहुंची, जबान से कुछ न कह सके, लब हिला न सकते थे, हबीब ने देखा कि मुस्लिम की उंगली उठी, थरथराती हुई, और उसने हुसैन की तरफ इशारा किया। गोया मतलब ये था कि हबीब, इस आलम में भी एक वसीयत करता हूँ कि मरते मर जाना, मगर फातिमा के लाल का दामन तुम्हारे हाथ से छूटने न पाए। बस अज़ादाराने हुसैन, आखिरी फकरा, हुसैन के इस बूढ़े वफादार सिपाही ने हुसैन के कदमों में दम तोड़ दिया, और हुसैन ने अपने इस सिपाही की लाश उठाई और लाकर गंजे शहीदा में रख दी। अला लानतुल्लाह अला कौम।